स्वागत है और मैं हूँ शेख इस्माइल। आदिलाबाद कलेक्टरेट के सामने यहाँ जो इससे पहले हमने एक न्यूज़ चलाई थी, आप 5 या 6 दिन पहले एक न्यूज़ चलाई थी, ये जो कुंडी चेपुगुया के जो लोग हैं, जो निवासी है, वो अपने पैदल पद यात्रा 62 किलोमीटर की यात्रा को लेकर यहाँ पर आदिलाबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने अपना पिंडा डाले बैठे हैं। उनकी इन लोगों का कहना है कि आज का 6ठा दिन है, लेकिन हमें देखने वाला, हमें पूछने वाला अब तक कोई भी नहीं आया। इनका कहना है कि हम भी एक इंसान है, इस देश में रहने वाले हम भी एक इंसान है, हम इस राज्य में रहने वाले हम भी एक इंसान है। भले ही हमारा जो गाँव है वो 3 डिवाइडर में बढ़ गया, लेकिन हम यहाँ पर, हम इस देश के वासी हैं और इस राज्य में रहते हैं। और एक बात, भारत सरकार कह रही है कि आदिवासियों को हम सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे, हम उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। और राज्य सरकार भी कह रही है, मैं इन दो सरकारों से कहना चाह रहा हूँ, राज्य सरकार और भारत सरकार, इन दो राज्यों से कहना चाह रहा हूँ मैं कि फिर ये अभी तक जो ये चेपुगुड़ा कुंडी जो है इनका विकास क्यों नहीं हुआ? ये 75 साल हो गए अमृत महोत्सव मना रहा है, हर जगह, हर स्टेट, हर राज्य में देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इन लोगों को पीने का पानी नहीं है। इन लोगों के लिए स्कूल बनी है, उसमें टीचर नहीं है। इन लोगों के लिए आंगनबाड़ी नहीं है, हत्या के यहाँ तक के इनके गांव में ग्राम पंचायत की एक भी बिल्डिंग नहीं है। गांव की रोड तो छोड़िए, लेकिन गाँव में जाने के लिए भी रोड नहीं है। क्या इनका विकास यही रहेगा? इनका विकास और कह रहे हैं कि हम आदिवासियों के साथ हैं, हम आदिवासियों को अच्छा चाहते हैं, हम आदिवासियों के सपोर्ट में हैं। अब बताइए, मैंने जंगल को जंगल ही रहने दिया, करो कल्याण को दफ्तर बना दिया। 70 साल बीत गए, विकास का नाम नहीं हुआ। और भी हम आपको पूरी विस्तार के साथ बताएंगे, ये जो कुंडी के जो गरीब लोग हैं, गरीब निवासी है, इनका कहना है सिर्फ नाम को विकास हुआ है। नाम यानी बिल्डिंग बन गया, लेकिन टीचर नहीं है। गांव है लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं है। अदानी को 75 साल हो गए लेकिन हम आजाद नहीं हुए, इसका कारण क्या है? ये तो हम और भी जानेंगे कुछ महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं में से एक भी जिले की नजर अब तक इन पर नहीं पड़ी। जब नजर पड़ती है इलेक्शन के बाद ये कहा होती है, हमें नहीं दिखते। ऐसा कुंडी के निवासियों का, कुंडी के चेपुगुड़ा कुंडी के निवासियों का कहना। और भी कुछ महिलाओं से बात करेंगे, और भी जानेंगे। आप बने रहिए माय माउली हिंदी समाचार के साथ। ఫండ్స్ లేదంటున్నాడు. ఒక బోర్వెల్ వేయాలంటే సార్, దానికి 25 ఫీట్ల వేయాలంటే అక్కడ లీన్ అస్తలేదు, దానికి కూడా ఫండ్స్ లేదు అంటున్నాడు. ఇటువంటి సమస్యలు బాగా ఎదురైనాయి సార్. ఆ రోడ్ సమస్య 2 కిలోమీటర్ దిగాలి. एमएलए आशीर्वाद का है, एमपी आदिलाबाद का है। ये तो अभी इलेक्शन टाइम पे आया है, अभी तक 5 साल होता रहा है अभी, लेकिन उन्होंने एमएलए अभी अपना गांव को पाव रखा या नहीं रखा, वैसा है अपना गांव है। यानी आपका कहना है कि एमएलए को पता नहीं कि आपका गांव भी है उनके क्षेत्र में? उनके क्षेत्र में हमारा गाँव भी है, लेकिन इलेक्शन के बारे में है, बाद में नहीं है, ऐसा आपका कहना है? हाँ, अपने गांव में खराब भी नहीं रहता, कभी फ्री पेट विद्यालय तो अच्छा रहता, कभी वो अपने जो पीने के लिए पानी भी काम बोले तो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल हो गया तो उनके सर के ऊपर अभी डाल के, अभी कैसे भी बाटली डाल के निकलना पड़ता है। यही अपना अभी विकास चल रहा है, लेकिन अभी अभी पढ़ना लिखना आगे बढ़ना ये तो कुछ काम के नहीं है सर। जैसा दिख रहा है हमारा देश, अगर ये 75 साल हुआ है अपने आज़ाद होके भी, लेकिन हमारा गांव आज़ाद हो जैसा नहीं है। क्या बोले तो अभी आज़ाद हो गया, उन लोगों ने कैसा क्या आज़ाद कर दिया है, हमारा सबके व्यवस्था कैसा कर दिया है, जब अनपढ़ थे लोग, लेकिन उन्होंने सबके लिए जीवन जगाया है, सब देश के लिए आगे बढ़ाया है, लेकिन ये अभी आज़ाद हो गया है देश, लेकिन आदिवासी कुल आगे नहीं बढ़ा रहा है। अभी हम जिला परिषद ऑफिस में गए थे, लेकिन अब हमारा चेयरमैन साहब नहीं है, हम वो चेयरमैन साहब आए तो उनको बता देंगे, यही कहना है उनका, लेकिन अभी वो चेयरमैन साहब मैं हूँ, मैं आके करता हूँ, ऐसा है तो कुछ बजट मिला के ऐसा डालेंगे बोल के तो कुछ कहीं नहीं कह रहा है, आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। हमको उसको हम बताए, अगर हमको ये ऐसा ही डालना है, अभी डाल के रहना है तो रहेंगे भी, लेकिन अगर तुम उसकी व्यवस्था करना है तो करो, नहीं तो हम कहीं भी जाने के लिए तैयार है, ऐसा पैदल आउट भी जाने के लिए तैयार है,
बोलते हम उसको देख के आ रहे हैं। यहाँ कितने दिन रहेंगे आप? अब यहाँ तो रहेंगे सर, अगर कितना दिन अभी आठ दिन या 15 दिन, 20 दिन रहेंगे या एक महीना रहेंगे, महीना के बाद से हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद कहीं आपने क्या बोलते, यहाँ तो नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ इससे बड़ा अपने तेलंगाना स्टेट है ना, वहाँ भी जाने के लिए तैयार है सर। कैमरामैन आपके साथ इस्माइल शेख अनिल अब्बास।